नमस्कार साथियों, मैं आशीष मौर्य आप सभी का फिर से एक बार ज्ञान धन एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको बताते चले कि मैथ की सीरीज लगातार चल रही है, जिसमें क्या किया गया साथियों, इसमें जीरो लेवल से जीरो से जीनियस तक का सफर है। जीरो से जीनियस मतलब मैथ अगर आपको बिल्कुल नहीं आती अब आने लगेगी और आपके उंगलियों पे क्या करेगी साथियों, मैथ डांस करेगी तो ध्यान दीजिएगा, पूरी शिद्दत से सीरीज का आनंद लीजिए। यकीन मानिए मेरा, जिस दिन सीरीज फाइनल, उस दिन मैथ आपके उंगलियों पे डांस करेगा। मेहनत इतनी खामोशी से करिए कि सफलता क्या करे साथियों, शोर मचा दे। आपका अतीत क्या था दुनिया वो नहीं देखती आज आप क्या हैं वो देखती है। ध्यान दीजिएगा, आज आपको बदलना है, क्या थे पहले उससे मतलब नहीं है, आज क्या है उससे मतलब है। दुनिया को कुछ मत बताइए, बस मेहनत खामोशी से क्या करिए, करते रहिए। सफलता आपकी खुद ही दुनिया को बता देगी कि आप किस काबिल थे चलिए पूरी शिद्दत से सीरीज का मजा लीजिएगा। तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी थक कर ना बैठे साथी, हाथों की लकीर भी बदलेगी, बदलेंगे बदलेंगे हम लोग। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते साथियों। क्या है आज का लेक्चर, ध्यान दीजिए, सरलीकरण सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन। पहली बात की है पहले आप लोग हर चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि ये पढ़ते क्यों है ना, ये बीच में आया ही क्यों, सरलीकरण क्यों पढ़ते, जबकि क्वेश्चन छोटे होते तरीका थोड़ा कठिन होता। तरीका क्या होता है, कठिन होता है, वही हम समझाएंगे आपको कि कैसे तरीका, कौन सा तरीका लगाएंगे, क्या करेंगे कि सवाल जो जटिल है जटिल यानी जो कॉम्प्लेक्स सवाल है जो बहुत ही कठिन है वो क्या बन जाए साथियों, सरल बन जाए क्या बन जाए, सरल बन जाए। ध्यान समझिएगा, सरलीकरण का मतलब समझ लीजिए, मैथ में मैथ यानी गणितीय क्वेश्चनों को सवालों को ध्यान दीजिएगा, जो जटिल होंगे, जो क्या होंगे, कठिन होंगे उनको सरल विधि से क्या करते हैं, हल करते हैं, और वह सरल विधि क्या कहलाती साथियों, सरलीकरण कहलाती सरलीकरण यानी कठिन क्वेश्चनों को छोटे में हल कर देना क्या कहलाएगा, सरलीकरण कहलाएगा। कुछ नियम होते हैं, नियम आपको क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए, नहीं पता रहेगा गड़बड़ा जाइएगा। कैसे, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण देख लीजिए, जैसे मान लीजिए किसी सवाल में मान लीजिए 2+3 अभागे 1 × 4+2 आ जाए उस ऐसा क्वेश्चन बन जाए तो आप क्या करिएगा, अब दिमाग में आ गया यार इसी में जोड़ो आ गया, इसी में घटाओ आ गया, भाग भी आ गया, गुणा भी आ गया, किसको पहले हल करें हाँ तो यही नियम है बाबू, यही क्या है, नियम है कि नियम से चलना है। ध्यान दीजिएगा, गणित एक ऐसा विषय है साथियों, अगर नियम से चलेंगे आंसर एग्जैक्ट आएगा। इसीलिए गणित के सवाल का जो आंसर होता है साथियों, सबका समान होता है, किसी का थोड़ा बहुत भी इरर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि नियम फिक्स है, आपको उसी नियम से चलना है। अगर नियम बदल दीजिएगा सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अभी क्या करिएगा, 4 में 2 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा, 6 का गुणा 1 में कर देंगे 6 हो गया, भाग देंगे 3 में 6 से, मतलब कुल उल्टा पुल्टा हो जाएगा तो क्या करना है, एक नियम चलेंगे, वह नियम को हम लिखने चल रहे हैं उसी नियम को लिखने चल रहे हैं। कुछ लोग पढ़े भी होंगे और कुछ लोग नहीं भी पढ़े होंगे, तो ध्यान से देखिएगा हम क्या लिख रहे हैं साथियों, एक नियम लिख रहे हैं क्या लिख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, बोर्ड मास क्या लिखे साथियों, BOD है बोर्ड, MAS बोर्ड मास बोर्ड मास लिख दिए बोर्ड मास, बोर्ड पे मांस आ गया। अरे ऐसी बात नहीं है बोर्ड मास, अभी इसका फुल फॉर्म बता रहे हैं फुल फॉर्म बता रहे हैं, समझ जाएगा। ये सूत्र है आपके लिए, ये संजीवनी है आपके लिए क्योंकि स्टार्ट यहां से होगा। पिछले 2 लेक्चर भी हैं जिसमें कुछ संख्याओं के बारे में चर्चा किया गया है और डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा गया है यानी विभाजकता का नियम। अगर आप लोग नहीं देखे हैं वो लेक्चर, जरूर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, आप जरूर जाके देख लीजिए, क्योंकि बेसिक जीरो से जीनियस तक का सफर है साथियों, तो जीरो से चलेंगे और जीनियस तक जाएंगे। ध्यान दीजिएगा क्या लिखे हैं बोर्ड पे साथियों, बोर्ड मास बोर्ड मास लिखे हैं, इसका फुल फॉर्म समझिए, ये आपके लिए सूत्र है। क्या है साथियों, सूत्र बी फार, देखिए साथियों क्या होता है, बी फार होता है ब्रैकेट है बी फार होता है साथियों ब्रैकेट, ब्रैकेट यानी साथियों कोष्टक, क्या कहेंगे कोष्टक है ध्यान दीजिएगा, क्या कहेंगे साथियों कोष्टक कहेंगे कोष्टक कहेंगे किससे साथियों,
बी से, बी फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट माने कोष्टक। यानी जब भी कभी सवाल लगाइएगा ना, पहले किसको हल करिएगा, बी फॉर ब्रैकेट यानी कोष्टक को। कोष्टक में भी तीन चार होते हैं ना, अभी बताएंगे, टेंशन मत लीजिए, वीडियो में बने रहिए। लेक्चर खत्म होते होते ना आप देखिएगा, सरलीकरण का सवाल चुटकियों में लगा देंगे। हाँ, एकदम तुरंत उड़ा दीजिएगा ना। हाँ, जैसे ही सरलीकरण का सवाल आपके रेडार में आया है ना, आपकी पकड़ में आया, तुरंत उड़ा दीजिएगा उसको ना, एकदम उड़ा दीजिएगा, तुरंत चुटकी भर में ना तुरंत आंसर दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, पहले किसको हल करिएगा, ब्रैकेट यानी कोष्टक को। ओ फॉर होता है साथियों ऑफ, क्या होता है ऑफ, अब मैंने बंद हो जाइएगा, आप मैंने क्या हो गया, बंद हो जाएगा ना, वो वाला आप नहीं है ना। हाँ, आप मतलब साथियों का वाला, का वाला ना, आप यानी का, जैसे कहीं कहीं सवलिया में देखिएगा ऐसे आ जाएगा, तीन का चार प्लस दू ऐसे आ जाएगा है ना। इका का मतलब होता है साथियों गुड़ा ही होता है। इका का मतलब क्या है, गुड़ा। लेकिन जो वास्तव में गुड़ा लिखा रहेगा ना, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो गुड़ा, देखिए यहाँ गुड़ा लिखा है, पॉइंट एकदम समझिएगा, मैथ है, मैथ समझने पे ही डिपेंड है, रट नहीं सकते। कितना सवाल रटिएगा सोचिए तो, कितना सवाल रटिएगा, तुरंत बस प्लस माइनस घुमा देगा, घूम जाइएगा उसी में, और घूम के लौट जाइएगा परीक्षा में है ना, लौट जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं, हमें नहीं फर्क पड़ता पेपर में लौट गए। लेकिन ध्यान रहे, अगर पूरी शिद्दत से पढ़ लिए ना तो हमें फर्क पड़ता है कि आप लौटेंगे नहीं, आपको हम विजय बनाएंगे चाहे जैसे। ध्यान दीजिएगा साथियों, ये वाला भी का मतलब क्या है, बुरा, और ये तो पहले से बुरा है। तो जब भी सवाल हल करते हैं ना, पहले है का वाले को हल करेंगे, बाद में है बुढ़ा वाले को हल करेंगे ना। ध्यान दीजिएगा, वह वाला एक का है, वह वाला क्या है, वह वाला एक का है, और इसका मतलब क्या होता है साथियों, इसका मतलब ये होता है घुड़ा, समझ गए। तो पहले हल करेंगे कोष्टक को, दूसरा नंबर पर हल करेंगे का वाले को, का मतलब क्या, घुड़ा। अगला देखिए डी से साथियों, हाँ डी से डिवीजन ना, ध्यान दीजिएगा, डी से डिवाइड कर दीजिएगा, डिवाइड यानी डिविजिबिलिटी वाला रूल, कि कटेगा कि नहीं कटेगा, पिछला वीडियो देख लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, क्या करिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा, डी से क्या करिएगा, डिवाइड, डिवाइड मतलब साथियों भाग देना ना। हाँ, डिवाइड मतलब क्या साथियों, भाग कर दीजिएगा, और भाग का चिन्ह ऐसे होता है ना, भाग का चिन्ह ऐसे होता है, कभी कभी क्या होगा ऐसे भी लिख दिया जाएगा ना, एक्स बटे वाई, ये भी क्या है, बटा मतलब भाग ही होता है ना। हाँ, तो क्या करिएगा, पहले शुरुआत में कोष्टक को हल करिएगा, फिर का को हल करिएगा, फिर डिवाइड यानी भाग दीजिएगा। अब क्या करिएगा, यम से देखिए, यम से साथियों, एम फॉर क्या होता है साथियों, हाँ मल्टी, मल्टीप्लीकेशन, ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लीकेशन ना, हाँ मल्टीप्लीकेशन होता है, एम फॉर क्या, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन मतलब साथियों गुणा कर दीजिएगा। अब कहिए फिर गुणा करेंगे, अरे यार ये का वाला गुड़ा था सवाल में, देखिए यहाँ समझाया ना, ये का वाला गुड़ा है, अब वास्तव में वाला गुड़ा आ गया, अब वास्तव में वाला गुड़ा आ गया ना। हाँ, तो ये मल्टीप्लीकेशन कर दीजिएगा किसके बाद साथियों, भाग के बाद गुड़ा। अब ए फर देखिएगा तो ए फर क्या करेगा साथियों, एडिशन है ना। हाँ, थॉमस एल्वा एडिशन आ गए, कौन था साथियों थॉमस एल्वा एडिशन, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ना, थॉमस एल्वा एडिशन कौन था। ध्यान दीजिएगा, ये बड़का पगलेट था शुरू में ना, बहुत बड़ा पागल साइंटिस्ट था, लेकिन आज उसी की देन है ना, उसी की देन है कि आप उजाले में हैं, आप उजाले में हैं, उसी की देन है, अंधेरे में बल्ब जलता है। हाँ, अब बताइएगा कौन था, सब तो बता ही दिए यार, बता दीजिएगा है ना। एडिशन मतलब क्या साथियों, ऐड कर देंगे ना, ऐड मतलब क्या, जोड़ देंगे ना। मतलब क्या करिएगा, सबसे पहले बी फॉर ब्रैकेट को तोड़िएगा, ओ फॉर का को हल करिएगा, डी फॉर डिवाइड करिएगा, भाग दीजिएगा, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन गुणा कर दीजिएगा, ए फॉर क्या कर दीजिएगा, एडिशन यानी ऐड कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, और यस फॉर साथियों, यस फॉर फाड़ दीजिएगा, जो बचा कुचा रहेगा ना उसमें से फाड़ के निकाल दीजिएगा है ना। क्या फाड़ देंगे, सवाल यह है, जैसे देखिए यहाँ पे माइनस कर दिया है ना, तो सबको जब हल कर लीजिएगा ना, अंतिम में ये माइनस एक इसमें से क्या करिएगा, फाड़ के निकाल दीजिएगा। हाँ, नोट में से जाइएगा, खुला कराने 2000 का छुट्टा कराने, कर दीजिए फाड़ के दे दे, नहीं फाड़ के नहीं ना, ध्यान दीजिएगा। तो क्या करेंगे साथियों, सबट्रैक्ट करेंगे ना, सबट्रैक्शन है ना, ध्यान दीजिएगा, क्या करेंगे, सबट्रैक्शन करेंगे, यानी क्या करेंगे साथियों, घटाएंगे ना, क्या करेंगे, लास्ट में घटाएंगे। तो अभी ये आप लोग लिखते चलिएगा, जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये याद करना पड़ेगा आपको, क्यों
बोर्ड मास याद रखिएगा, ये वाला फार्मूला ट्रिक है, बोर्ड मास याद रखिएगा ना, इसी से काम हो जाएगा यार, इसी से क्या होगा, काम हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले क्या हल करिएगा साथियों, देखिए सीक्वेंस सीक्वेंस देखिए, पहले किसको हल करेंगे, कोष्ठक, ध्यान दीजिएगा, पहले किसको हल करेंगे, कोष्ठक, है ना, पहले कोष्ठक कॉल करिएगा, फिर किसको हल करिएगा साथियों, फिर का वाले कॉल करिएगा, फिर किसको हल करिएगा, फिर ध्यान दीजिएगा, भाग वाले कॉल करिएगा, फिर किसको हल करिएगा, गुणा वाले कॉल करिएगा, फिर किसको हल करिएगा, जोड़ दीजिएगा, फिर क्या करिएगा साथियों, फिर क्या करिएगा, घटा दीजिएगा, है ना। ये सीक्वेंस है, पहले कोष्ठक को हल करिएगा, फिर का को हल करिएगा, फिर भाग को हल करिएगा, फिर गुणा को हल करिएगा, फिर जोड़ को, अंतिम में क्या करिएगा, फाड़ दीजिएगा, घटा दीजिएगा, है ना। तो ये नियम है, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए ना, फिर आगे चलते हैं। हाँ, अगला समझिएगा, अगला क्या समझिए साथियों, अभी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा कोष्ठक के बारे में देखेंगे ना, थोड़ा सा क्या करेंगे, कोष्ठक के बारे में समझेंगे, कैसा कैसा कोष्ठक होता है ना, कैसा कैसा एक कोष्ठक होता है, क्या होता है कोष्ठक, खुद सोचिए। कोष्ठ मतलब किसी चीज को भर के रखने वाला पात्र, किसी चीज को क्या करके रखने वाला, किसी चीज को भर के। अब यहां महत्व पढ़ना है ना, संख्याओं को जिसमें भर दिया जाएगा उसके लिए क्या कहलाएगा साथियों, कोष्ठक कहलाएगा, क्या कहलाएगा, कोष्ठक। जैसे समझिए कितने होते हैं साथियों, ध्यान समझिएगा, कोष्ठक कितने होते हैं, चार होते हैं ना, जनरली कितने होंगे, चार होंगे, मेन तीन ही से काम हो जाएगा। चलिए पहला क्या होता है साथियों, रेखा कोष्ठक, है ना, रेखा कोष्ठक, ध्यान से समझते चलिएगा, रेखा कोष्ठक, है ना, सबके बारे में समझा रहे हैं। दूसरा क्या होता है साथियों, छोटका कोष्ठक, है ना, छोटा कोष्ठक, फिर क्या होगा साथियों, फिर क्या होगा, फिर देखिए मझला कोष्ठक, है ना, मझला कोष्ठक, मझला भगवान आ गए, मझला कोष्ठक, फिर क्या आएगा साथियों, बड़का कोष्ठक, है ना, बड़ा कोष्ठक। खुद सोचिए, खुद सोचिएगा, अगर चार पांच लोग हो ना तो सबसे पहले किसको साथियों वरीयता दी जाती है, सबसे पहले ना जो छोटका वाला होगा यार, छोटे वाले को पहले खाना पीना दिया जाएगा क्योंकि वो जल्दी भूखा जाएगा, बड़का को लंती में खिलाया जाएगा, खाए ना खाए चूल्हे बाढ़ में जाए क्या फर्क पड़ता ना, अपने से खा लेगा, ये सोचा जाता है कि आप बड़े हो गए अपने से खा सकते हैं। इसीलिए आपकी जिम्मेदारी है, जो हम पढ़ाते हैं ना मन से पढ़िए ताकि सिलेक्शन पा जाइए ना, सिलेक्शन ही हमारा क्या है, पर्पज है ना, मेन पर्पज क्या है, सिलेक्शन, चाहे वो किसी भी विभाग में हो, है ना, मेन क्या है साथियों, सिलेक्शन। अब ध्यान से समझिएगा, रेखा कोष्ठक कैसे होता है साथियों, ऐसे किसी संख्या के ऊपर ना ध्यान दीजिएगा, जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए हम लिख दिए 3+2 = 1, इसी पे क्या लगा दिए, ऐसे ऊपर क्या लगा दिए, रेखा लगा दिए ना, ऊपर रेखा लगा दिए, तो यह क्या कहलाएगा साथियों, रेखा कोष्ठक, क्या कहलाएगा, रेखा कोष्ठक। अच्छा, रेखा कोष्ठक किसके किसके ऊपर देखिएगा, तो केवल 2 और 1 के ऊपर, केवल किसके ऊपर, 2 और 1 के ऊपर रेखा कोष्ठक है ना। अब 3 बताइए कोष्ठक में है क्या, अरे नहीं कोष्ठक में है, 2 और 1 के ऊपर लगा तो ये दोनों कोष्ठक में है। तो इसमें भी देखिए कि नियम है, इसमें भी क्या है साथियों, नियम, पहले इसी को हल करेंगे, किसको, इसी रेखा कोष्ठक को पहले हल करेंगे, है ना, फिर किसको हल करेंगे साथियों, दूसरे नंबर पे छोटका वाले कोष्ठक को, फिर किसको हल करेंगे, मझला वाले कोष्ठक को, फिर किसको हल करेंगे साथियों, सबसे बड़का वाले कोष्ठक को। तो पहले कौन हल होगा साथियों, रेखा कोष्ठक, दूसरे नंबर पे छोटा कोष्ठक, तीसरे पे मझला कोष्ठक, चौथे पे साथियों बड़ा कोष्ठक। बताइएगा, तो यहां इसे हल करेंगे, 2 में 1 का गुणा करिएगा कितना हो जाएगा साथियों, 2 हो जाएगा ना, हाँ 2 हो जाएगा, अब प्लस कितना, 3, जोड़ दीजिएगा तो कितना हो गया, 5। अभी ध्यान दीजिएगा ना, अभी ध्यान दीजिएगा, कहेंगे सर गुणा नहीं किए भाग, अरे यार इसमें गुणा भाग का चिन्ह है क्या, इतना तो दिमाग लगा ही सकते हैं ना, गुणा भाग का चिन्ह नहीं है, नहीं हल करेंगे, जब देगा तब, नहीं दिया जो सीक्वेंस से चलिए ना, बोर्ड मास वाला सीक्वेंस से चलिए, जो दिया उसे हल करेंगे, जो नहीं दिया आगे वाले पे बढ़ जाएंगे, क्या फर्क पड़ता यार, क्या फर्क पड़ता, खाना खिला रहे हैं, पूरी परोस रहे हैं, अरे जो लिया उसको दीजिए, जो नहीं लिया छोड़ दीजिए, जबरी ठूसिएगा, जबरी मत ठूसिएगा, ढेर खा जाएगा, ढेर खा जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो रेखा कोष्ठक को सबसे पहले साथियों हल करेंगे, फिर साथियों छोटा कोष्ठक, ना देखिए छोटा कोष्ठक ऐसे होता है, ऐसे देखिए, जैसे 3+2 इसी में क्या करिए, पैक कर दीजिए, क्या करिए, ऐसे 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 होगा, ऐसे होगा, ऐसे पैक कर दीजिए, ऐसे पैक कर दीजिए, देखिए रेखा कोष्ठक मतलब छोटा कोष्ठक, कौन सा कोष्ठक हो गया साथियों, छोटा कोष्ठक, है ना। अभी ध्यान दीजिएगा, बड़ा कोष्ठक मझला कोष्ठक कैसे होगा, ऐसे लाइएगा, देखिए मझलका वाले सब टेढ़े होते हैं ना,
मजिलका वाले गड़बड़ होते हैं सबसे, ध्यान दीजिएगा, सबसे गड़बड़ मजिलका वाले होते हैं। बड़कों को, बड़का को सब ध्यान देता है, छोटकों को भी सब ध्यान दे देता है, मजिलका को कोनो ध्यान नहीं देते, इसलिए देखिए टेढ़िया मेढ़िया जाता है ना। हाँ ऐसे करके देखिए नहीं बन पा रहा, ध्यान दीजिएगा ऐसे करके ना, ऐसे करके ऐसे बनाया हुआ ना, ये क्या साथियों मझला वाला है, देखिए टेढ़ा मेढ़ा है, टेढ़ा मेढ़ा बीच वाला टेढ़िया ही जाता है मझला वाले। और देखिए बड़का कोष्ठक वाला देखिए सीधे सीधे, देखिए देखिए कैसे है सीधे सीधे है, देखिए छोटको बेचारा सीधे है, बड़को सीधे है, मझिलका देखिए नालायक जैसा टेढ़िया गया, ऐसे देखिए इधर उधर भाग गया है, ध्यान दीजिएगा। तो पहले सबसे पहले साथियों रेखा कोष्ठक कॉल करेंगे, फिर छोटा कोष्ठक को, फिर साथियों मझला कोष्ठक को, फिर बड़ा कोष्ठक को, ऐसे हल करते हैं कोष्ठक को, ठीक है। बोर्ड मास में जो बी फॉर ब्रैकेट था ना, बी फॉर ब्रैकेट, बी फॉर बॉय है ना, बी फॉर बाल, ध्यान दीजिएगा बी फॉर बॉय, बी फॉर बाल, लेकिन बी फॉर बकवास भी हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा ये नहीं याद रखेंगे गड़बड़ा जाएगा। ब्रैकेट में चार हैं, चारों में कौन दे दिया आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन देंगे ना समझ जाएंगे आप लोग, टेंशन मत लीजिए, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन दूसरे को देना है, पड़ोसी आपका टेंशन ले यार कि आप सफल हो रहे हैं, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं, आप मत लीजिए ना, आप मत लीजिए टेंशन, पड़ोसी को जलने दीजिए, आप अपनी सफलता से उसको क्या करिए जला दीजिए ना, हाँ बोल के नहीं झगड़ा बड़ा नहीं करके आए सफलता से। चलिए क्वेश्चन कुछ करते हैं, इसको आप लोग लिखना हो तो लिख लीजिए ना, लिखना हो तो लिख लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं और सीक्वेंस से चलेंगे साथियों, सीक्वेंस से चलेंगे, हम एक जगह छोटा सा सीक्वेंस लिख दे रहे हैं ताकि आप लोगों को क्या हो चीजें समझने में आसानी हो। पहले किसको हल करेंगे साथियों, कोष्ठक को, फिर साथियों का को, का यानी वही वाला यार, हाँ गुड़ा वाला का, फिर साथियों किसको भाग को हल करेंगे, फिर साथियों किसको ध्यान दीजिएगा भाग को, फिर गुड़ा को, फिर साथियों जोड़ को, फिर लास्ट में घटा देंगे, फिर क्या करेंगे लास्ट में घटा देंगे। अच्छा अब क्वेश्चन ले रहे हैं ना, अब कोष्ठक में भी सबसे पहले किसको, रेखा कोष्ठक, फिर मन, हाँ फिर छोटा कोष्ठक, फिर साथियों मझलका कोष्ठक, और लास्ट में सबसे बड़का कोष्ठक। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन लगाना आना चाहिए, थ्योरी आए चाहे ना आए यार, थ्योरी थोड़ी ना आपसे पेपर में पूछता है, पूछता है क्या, नहीं पूछता, आपको बस सवाल लगाने आना चाहिए, आपको किसी को यार प्रोफेसर थोड़ी बनाना है, सवाल लगाने आना चाहिए, प्रोफेसर बनाना है तो ये याद रखिए, प्रोफेसर नहीं बनाना है, केवल अपने लिए समझना है, बस चीजों को समझे रहिए, पेपर में चुटकी में आंसर देना है, हमारा टारगेट ये है। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए मान लीजिए हाँ तीन है, गुणते दो, अभागे दो, अब प्लस चार माइनस दो। चलिए एक जनरल क्वेश्चन ले लिए ना, हाँ एक क्वेश्चन आप भी बनाने लगेंगे क्वेश्चन यार, टेंशन मत लीजिए, हम कहीं से क्वेश्चन देख के नहीं लिख रहे यार, सब दिमाग में भरा बना लिए है ना, आप भी बनाने लगेंगे, बस एक बार क्या करिए सिद्धत से क्लास पूरी ले लीजिए, यकीन मानिए साथियों ना, यकीन मानिए फायदा होगा। संसाधन की कमी है मेरे पास, संसाधन की कमी है, डिजिटल बोर्ड नहीं है, है ना, तो इसका ये मतलब नहीं कि हर डिजिटल बोर्ड वाला आपको बढ़िया पढ़ाएगा ना, और हर ये व्हाइट बोर्ड वाला बेकार पढ़ाएगा, इसी बात नहीं है यार, संसाधन की कमी है, चैनल अभी नया है, हम बेहतर कर रहे हैं और करने की कोशिश करेंगे ना, कोशिश करेंगे, बन जाएंगे ये तो नहीं कह सकते, बट कोशिश जरूर करेंगे ना। चलिए ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन आपके सामने है, तीन गुणते दो, भागे दो, प्लस चार माइनस दो ना, पहले क्या करिएगा आपके दिमाग में यही बोर्ड मास वाला को चीज आ जाना चाहिए साथियों, कौन सा, हाँ बोर्ड मास आ जाना चाहिए है ना, बोर्ड मास क्या होना चाहिए, आ जाना चाहिए, मतलब हाँ बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर का, डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए फॉर एडिशन, और एस फॉर सब्ट्रैक्शन, ध्यान दीजिएगा ये चीजें आनी चाहिए, नहीं आ रही है ना आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, कोष्ठक का, भाग, गुणा, जोड़, घटा, बहुत ज्यादा है क्या, हमको लगता है दो चार बार बोलिएगा ना याद हो जाएगा, दो चार बार बोलिए तो सही पहले है ना, जब ठान लिए है ना तो बिना तोड़े छोड़ना नहीं है, चाहे जो हो जाए। चलिए ध्यान दीजिए क्या करना है साथियों, पहले कोष्ठक को हल करना है, क्या इसमें कहीं कोष्ठक है, क्या इसमें कहीं कोष्ठक है, नहीं है, मतलब तुम्हारी कहानी खत्म हो गई, कोष्ठक को अब नहीं देखेंगे क्योंकि वही नहीं है,
अगला बात करें क्या कहीं का है क्या इस क्वेश्चन में, नहीं है साथियों, इसकी भी कहानी क्या हुई, खत्म हो गई। अगला बात करिए कौन है भाग, अगला कौन है भाग, क्या भाग है इसमें, हाँ जी बिल्कुल है, कहां पे है, यहां पे है। भाग कहां पे है, यहां पे है, ध्यान दीजिएगा भाग यहां पर है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसी भाग को पहले हल करेंगे। देखिएगा दो भागे दू मतलब दो में दो का भाग दीजिएगा कितना भर जाएगा यार, अब इतना गिनती पढ़ा तो हम बताएंगे नहीं, गिनती पढ़ा तो आपको आना चाहिए, ये आपका काम है, तो पढ़ा तो याद ही रखिए जरूर से जरूर। चलिए दो का भाग दो में दीजिएगा ना साथियों, हाँ दो का भाग दो में दीजिएगा ना, कितना हो जाएगा साथियों, एक, कितना आया, एक। देखिए अभी इसी जगह हल किया, अभी आगे पीछे कुछ नहीं लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिए है दो के बदमा में क्या है, प्लस, फिर क्या लिख दीजिए, चार, माइनस क्या लिखिए, दो। इधर ध्यान दीजिए, अब ये दोनों हल कर दिया है ना, इसके बाद पहले कौन था, गुड़ा, यहां पे क्या है, तीन। नहीं समझ में आया, फिर से देखिए, तीन को फोटो कॉपी उतार दिए, गुड़ा को फोटो कॉपी उतार दिए, हाई दो में दो को भाग दे दिए, एक बार चला गया, फिर प्लस को सेम उतार दिए, चार को सेम कर दिए, माइनस को भी, दो को भी, सबको सेम उतार दिए। अब भाग कहीं है और नहीं है, कहानी भाग की क्या हुई, खत्म हो गई कहानी, खत्म भाग की। अब साथियों भाग के बाद क्या आता है बताइए, गुड़ा। अब किसको हल करिएगा, गुड़ा को हल करिए, गुड़ा वाला ढूंढिएगा तो यही पे है, तो तीन का गुड़ा एक में करिए तो, अच्छा एक बात बताइएगा तो, तीन का गुड़ा एक में करिए क्या आएगा, और एक का गुड़ा तीन में करिएगा क्या आएगा, तो क्या आएगा बताइए तो, तीन गुड़ते एक, अरे यार तीन का फड़ा पड़ेंगे ना एक में तब वो तीन आएगा, एक का फड़ा पड़िएगा तीन बार तब वो तीनों आएगा, नहीं मान बदलेगा ना, हाँ मान नहीं बदलेगा ना जोड़ में ना गुड़ा में, ध्यान दीजिएगा ना जोड़ में ना गुड़ा में, घटाओ में बदल जाएगा कि नहीं, सोचिए तो, कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता रहा है, समझिएगा, गुड़ा में मान नहीं बदल रहा, देखिए तीन यहां भी और तीन यहां भी, जोड़ में देखिए तो एक प्लस तीन बराबर कितना साथियों, चार, और तीन प्लस एक बराबर कितना, चार। देखिए जोड़ और गुड़ा में मान नहीं बदल रहा है, उल्टा पुल्टा कर दे रहे हैं, मतलब संख्या बदल दे रहे हैं। तो अभी भाग में देख लीजिएगा तो, चार भागे दो कर दीजिए और दो भागे चार कर दीजिए, क्या एक का मान आएगा, नहीं आएगा साथियों, इसका मान आएगा दो, दो दूनी चार, और इसका मान आएगा जीरो दशमलव, हाँ जीरो दशमलव पांच है ना, यानी एक बटे दो। देखिए मान बदल गया कि नहीं, बदल गया। भाग में आगे पीछे मत करिएगा, गड़बड़ा जाएगा, जोड़ और गुड़ा में आगे पीछे कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। घटाओ में बताइए, घटाओ भी देख लीजिए, चार में से दो घटाइएगा तो दो, और दो में से चार घटा दीजिए तो क्या बचेगा, कुछ तो कहेंगे सर घटबो नहीं करेगा, ये क्या बता रहे हैं, अरे नहीं घटेगा ना, दो में से चार भी घटेगा बट उल्टा पुल्टा घटेगा, बताइएगा तो माइनस में ही ज्यादा है ना, माइनस में ही ज्यादा है ना, अब प्लस में ही तो माइनस वाला ज्यादा है, तो जो ज्यादा रहेगा उसी का चिन्हवा लिखेंगे। अब चार में से ही दुइया घटाइएगा, माइनस दो बच जाएगा ना, माइनस दो बचेगा, मतलब ये कर्ज के रूप में है माइनस दो, ठीक, हाँ घटेगा लेकिन जरूर। अब बात करते हैं अपने सवाल पे आते हैं ना, अब साथियों अपने सवाल पे आते हैं, हमारा पर्पज है कि आप सब कुछ सीखते चले, ध्यान दीजिए। अब क्या करना है, भाग हम लोग कर चुके हैं, क्या करना है साथियों, गुड़ा, तीन का गुड़ा एक में करिएगा, तीन एक कम तीन, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। फिर क्या है, प्लस, तुरंत सेम सेम आगे क्या करिएगा, उतार दीजिए, क्या करिए, उतार दीजिए। अब क्या करना है साथियों, हाँ गुड़ा हो गया आपका, भाग हो गया, अब क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा, जोड़ कहां पे, यहां पे, चार में तीन जोड़िएगा कितना हो जाएगा साथियों, सात हो जाएगा, कितना, सात। अब भगिया आगवा क्या करिएगा, उतार दीजिएगा, सात माइनस दो बता दीजिए तो, अब अंतिम में देखिए फाड़ दीजिएगा, अंतिम में ना, अंतिम में फाड़ दीजिएगा, जो आंसर होगा वही आंसर होगा, क्या आया साथियों, पांच, पांच आ गया ना, यानी इस चीज को जब आप हल करिएगा पांच आ गया। अब अगर नियम नहीं पता होगा ना तो आप क्या करेंगे, हाई पहले कर देंगे तीन दूनी के छह, छह में दूसरे दे दीजिएगा भाग, हो जाएगा तीन, और तीन में चार जोड़ दीजिएगा सात, और सात में से दूध घटा दीजिएगा पांच, आंसर आ गया है, क्या फर्क पड़ता है, हर बार नहीं होगा ऐसा, ध्यान दीजिएगा, नियम जरूर सही होना चाहिए, नियम गड़बड़ है ना आंसर नहीं आएगा। एक अगला क्वेश्चन पे देखते हैं ना, अगले क्वेश्चन को भी देखते हैं, चलिए एक क्वेश्चन लिख रहे हैं ना, हाँ 144, ध्यान दीजिएगा 144 भागे 12 है ना,
भागे 12 और गुणते 3, ध्यान दीजिएगा, गुणते 3 और प्लस 4 भागे 2 भागे 2 गुणते 3 और माइनस 1, खूब बड़ा हो गया क्या, बड़ा हो गया क्या, अरे नहीं बड़ा हुआ, तोड़ देंगे इसको ना। हाँ, इसको तोड़ दिया जाएगा, कैसे, सरलीकरण वाले सूत्र से इसको क्या किया जाएगा साथियों, तोड़ देंगे ना, आएगा क्यों नहीं, जाएगा कहां ये, ध्यान दीजिएगा। पहला काम हमारा क्या है साथियों, कोष्टक ढूंढिए, तो कहीं दिख रहा है क्या कोष्टक, नहीं दिख रहा यार इसमें भी, है ना, अभी ले रहे हैं कोष्टक वाला, परेशान मत होइए, अभी ले रहे हैं कोष्टक का, है ना, फिर आप लोग सवाल अपने किताब से लगाते रहिए, ठीक है, किताब से सवाल लगाते रहिए, अगर कुछ क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं ना, तो हम कोशिश करेंगे आप उस क्वेश्चन को किसी भी माध्यम से, फोटो के माध्यम से, चाहे जिस माध्यम से ना, कमेंट बॉक्स में जरूर हमारे पास पहुंचाइए उस क्वेश्चन को, हम उसका आंसर जरूर आपके पास उपलब्ध करवाएंगे ना, ध्यान दीजिएगा। या फिर क्या कर लीजिए, आप हमारे एक, हाँ, आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिएगा, क्या साथियों, हाँ ये हमारी आईडी ना, आशीष के मौर्याना, ध्यान दीजिएगा, ये हमारी आईडी है, ठीक है, 95, आप इस पे हमें क्या करिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, और इस पे जो भी फोटो होगा क्वेश्चन का, आप लिख के खींच के क्या करिएगा, भेज दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कि उस क्वेश्चन का आपको आंसर क्या किया जाए, दिया जा सके ना, और अच्छे से दिया जाएगा। चलिए साथियों आगे बात करते हैं, इस क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं ना, ध्यान दीजिएगा, पहला काम क्या करना है, कोष्टक नहीं है, का है क्या, का भी नहीं है साथियों, फिर किसको देखेंगे, भाग को, फिर किसको देखिएगा, भाग को देखिएगा। चलिए 12 का 144 में भाग दीजिए, तो 12 बरैया में 144 स्क्वायर दे दिए हैं, है ना, ये 12 बार में क्या होगा साथियों, कट जाएगा। फिर सेम गुणते 3 प्लस, अभी मत लिख दीजिएगा 4, अभी देखिए हरियो भाग है कि नहीं, यूं भाग, तो आप पहले वहां को भाग दे दीजिए, 2 दूनी के 4, 2 बार में कट जाएगा, यहां प्लस लिख दिया, अभी वहां 2 लिख देंगे, हाई स्क्वायर करके 2 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर गुणते साथियों, गुणते 3 और माइनस कितना, 1। अब क्या करिएगा, अब भाग के बाद किसका नंबर है साथियों, गुणा का, चलिए गुणा कर लीजिए, तो भारत यहां 36 प्लस रहने दीजिए 3 दूनी के 6 माइनस कितना साथियों, 1। अब क्या करिएगा, गुणा के बाद जोड़ दीजिएगा, तो 36 6 साथियों 42, इसमें से क्या करिए, 1 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा साथियों, 41, इसका आंसर कितना हो गया, 41। कोई दिक्कत समस्या, अब कोष्टक वाला देख लीजिए ना, अब कोष्टक वाला देखिए, चलिएगा ध्यान दीजिए, चलिए एक बड़का कोष्टक ले ले रहे ना, जो सीधा सीधा रह गया, हाँ मजेखा वाला टेढ़िया आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ लिख लिए 4 और प्लस 2, है ना, फिर यहाँ लिख लीजिएगा ऐसे मझला वाला लगा दिए, है ना, 3 माइनस 2 और प्लस 1, चलिए एकदम सिंपल ले रहे, कठिन नहीं ले रहे हैं ना, हाँ ध्यान दीजिएगा। अब क्या करिएगा, अब छोटका वाला लगा दीजिए, चलिए यहाँ 2 ही लिख लीजिए, क्या फर्क पड़ता है ना, अब क्या करिए, अब क्या करिए साथियों, अब यहाँ छोटका लगा दीजिए, अब छोटा वाले में लिख दीजिए 4 प्लस 3 अगुड़ते 2, क्या लिख दिए, 4 प्लस 3 अगुड़ते क्या लिख दिए, 2। अब क्या करिएगा, अब यहाँ मझला कोष्टक भी बंद कर दिए, यहाँ बड़का कोष्टक भी क्या किए, बंद कर दिए, अब ऐसा सवाल दिखेगा आप लोग लौट जाइएगा पेपर में ना, अरे इक्का दे दिया जी, इक्का दे दिया, ये कौन सी बला आ गई ना, बला है कि चुड़ैल है पता ही नहीं ना, ध्यान दीजिएगा। इसे भी हल करने का अपना तरीका ना, अपने तरीके से चलेंगे, जो फार्मूला बताए उसी को फॉलो करिए, पहले रेखा कोष्टक ढूंढिए, फिर छोटा कोष्टक, फिर मझला, फिर बड़का, है ना। देखिए सबसे बड़ा जो व्यक्ति होता है सबको देखिए ढक के रख लिया, देखिए सबको अपने अंदर पैक कर लिया, फिर मझला वाला छोटके को पैक कर लिया, और छोटका वाला रेखावा को पैक कर लेगा, रेखा अगर रहेगी तो, रेखा आई नहीं है ना, रेखा भाग गई है। चलिए ध्यान दीजिए क्या करिएगा, पहले क्या करेंगे साथियों, रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक, रेखा कोष्टक है या नहीं है, वो भाग गई है, फिर किसको हल करेंगे, छोटा कोष्टक, छोटा कोष्टक हमारा यहाँ है, टारगेट हमारा यहाँ है, टारगेट एकदम सेट कर दीजिएगा, एकदम टारगेट सेट करिए, यहाँ तो यहाँ सेट करिए टारगेट। चलिए क्या पहले 4 3 7 आधुनिक 14 ऐसे लिख दे कि 3 2 6 4 10, देखिए दोनों मान अलग अलग हो गए, होगा ना। अब अपने नियम पे जाइएगा, नियम हम क्या बताए थे कि पहले भाग गुणा जोड़ घटाओ, क्या भाग है नहीं है, गुणा है हाँ जी है, तो पहले करिएगा गुणा बाद में दीजिएगा जोड़,
नहीं कि पहले दीजिएगा जोड़ तो 4 3 7 2 हो जाएगा 14, जबकि आ रहा है द्वितीय 6 4 10। सोच लीजिए 10 14 4 गड़बड़ा गया जी। चलिए ध्यान दीजिए, तो क्या करेंगे भैया, क्या करेंगे साथियों, पहले से छोटे कोष्टक में आइए, 3 2 6 6 में 4 जोड़ दीजिएगा 10। छोटका कोष्टक में आ गया कितना साथियों, 10। अब बाहरे कितना है, 2 प्लस जी 2 माइनस जी 8 पूरा लिख दीजिए, और इसको जो जैसे है सेम सेम क्या कर रहे हैं, सेम सेम उतार दिए ना, सेम सेम क्या किए, उतार दिए। चलिए अगला देखिए, अगला ध्यान दीजिए, अब किसको हल करेंगे, छोटका कोष्टक तो हल हो गया, क्या अभी हटा क्या छोटका कोष्टक, अभी नहीं हटा है। अब बताइएगा छोटका कोष्टकवा के जस्ट बाहर देखिए क्या है, 2 है, क्या है, 2 है। अब 2 का क्या कर दीजिएगा इसमें गुणा, जहां कौनो अंक नहीं रहेगा ना, जहां जैसे कोष्टक लगा हो कुछो नहीं है, कुछो नहीं है, तो इसका समझिएगा मतलब कि ये गुणा के रूप में है, किसके रूप में है, गुणा के। जैसे देखिए हाई मझला कोष्टकवा के आगे क्या है, 2 है ना, तो समझिएगा कि 2 का हाई मझला कोष्टकवा में गुणा है, समझ गए, ध्यान दीजिएगा आप। तो क्या करेंगे साथियों, हाई 10 का गुणा जब 2 में करिएगा ना, कितना हो जाएगा 20, कितना हो गया 20। अब भाई छोटका कोष्टकवा को हटा के क्या करिए, फेंक दीजिए, भगा दीजिए 20 को भी। फिर क्या है साथियों, प्लस कितना 2 माइनस माइनस साथियों 8। अब यहां मझला कोष्टक और यहां छोटका कोष्टक हट गया, तो कौन सा बचा, मझला बड़के को दिखा दीजिए, यहां वाला ये सेम उतार दीजिए, प्लस को भी सेम, 4 को भी सेम लिख दीजिए, इतना कोई दिक्कत। अब किसको हल करिएगा, मझला वाले कोष्टक को, ध्यान दीजिएगा हाई प्लस हाई माइनस, जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं, ई प्लस, तो कहिएगा क्या भाई, तो कहे गुड़ा होगा, अरे यार गुड़ा जब कोष्टक आएगा ना, जब कुछ नहीं रहेगा तब गुड़ा होगा, लेकिन यहाँ क्या कोष्टक है, क्या ये कोष्टक के अंदर है, तो इसके आगे क्या माना जाएगा, प्लस, ध्यान दीजिएगा। तो 20 यो प्लस है, यो प्लस है, प्लस वाले को एक साथ जोड़ लीजिए, 20 8 28। अब फिर 2 को क्या करिए, घटा दीजिए, 28 में से 2 घटाइएगा कितना, 26, मतलब इस मझला वाले कोष्टकवा में कितना बच गया साथियों, 26, कितना बच गया 26, बाकी को 2 बाहर ही है, प्लस 4, ऐसे क्या करिएगा लिख दीजिएगा ना। अब ध्यान दीजिए, अब ये 2 26 के साथ कैसे है, गुड़ा में, अभी बताया ना ये कोष्टकवा के जस्ट भरे कोई अंक रहेगा ना, गुड़ा में रहेगा, 26 का गुड़ा 2 में करिएगा ना, 52 हो जाएगा, कितना हो जाएगा साथियों, 52। अब प्लस कितना है साथियों, 4, भाई बड़का कोष्टकवा क्या कर दीजिएगा, बंद। अब 52 4 को क्या करिए, जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 56। क्या कोई बाहर और कोई अंक है, क्या नहीं है, अगर ना मान लीजिए भरवा दूर रहता तो 2 का गुणा करके आंसर लिखते, फिलहाल कुछ नहीं है, तो यही आपका क्या है साथियों, आंसर है, यही क्या है, आंसर है, है ना। हाँ, अब क्वेश्चन आप लोग अपने से लगाइएगा, कुछ क्वेश्चन हम कल कराएंगे, कल इसी पे इसी समय कल क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बढ़िया क्वेश्चन होंगे, कुछ कराएंगे, क्वेश्चन आप लोग अपने से भी हल करिए, ध्यान दीजिए। ये है आईडी, कौन सी साथियों, इंस्टाग्राम वाली, आप लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी समस्या हो, कोई भी समस्या हो, आप इस पे उस क्वेश्चन का, उस समस्या का फोटो खींच के भेज दीजिए, हम उस समस्या का हल आपको जरूर भेजेंगे, कोशिश हमारी यही रहेगी। ध्यान दीजिएगा, कोई क्वेश्चन फंसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं साथियों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो ना, तो वीडियो को जरूर लाइक और शेयर किया करिए, और चैनल पे अगर नए हैं ना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।